जैन दोस्तों, महत्वपूर्ण सूचना है जो कि लोक सेवा आयोग की ओर से जारी हुई है पॉलिटेक्निक लेक्चरर को लेकर। तो चलिए, क्या है वो सूचना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। शुद्धि पत्र जो है आयोग की ओर से जारी हुआ है, जहाँ पर आप देख सकते हैं लेक्चरर जो कि राजकीय पॉलिटेक्निक में जो है आई हुई है, लगभग 525 पदों पर ये भर्ती जो आई है, जिसमें एक पद है यहाँ पर जिसके क्वालिफिकेशंस को लेकर आयोग ने यहाँ पर शुद्धि पत्र है। पदनाम लेक्चरर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। यहाँ पर उपबिंदु 4 एवं बिंदु संख्या इतने में निम्नवत आंशिक संशोधन किया जाता है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है, उल्लेखित शैक्षिक अर्हता जो कि 8/8/2024 के अनुसार यहाँ पर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग संस्थान से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में प्रथम श्रेणी, या फिर आपके बी और बीटेक या फिर बीएससी समकक्ष उपाधि पढ़ा जाए, यानी कि जो एग्रीकल्चर की जो क्वालिफिकेशन थी उसमें थोड़ा सा आयोग ने जो है यहाँ पर आयोग ने क्या डिपार्टमेंट की ओर से उनको जो ये रेफरेंस नंबर का जो लेटर आया है उसमें जो है यहाँ पर संशोधन हुआ, पहला। दूसरा, यहाँ पर जो है प्रवक्ता मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल जो प्रैक्टिस के विज्ञापित 7 पदों के संबंध में शासन द्वारा प्रेसिड, जो कि 2 अगस्त को यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको रेफरेंस नंबर यानी कि जो लेटर प्राप्त हुआ है उसके अनुसार प्रवक्ता मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल के अध्याचन के मूल रूप में प्रतिवर्तित किए जाने के संबंध में अनुरोध यहाँ पर आयोग को मिला है, जिसके उसमें यहाँ पर जो प्रवक्ता मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल के विज्ञापित 7 पदों को प्रश्नगत चयन से पृथक किया जाता है। उक्त विज्ञापन के संबंध में आप देख सकते हैं बाकी जो है यथावत रहेंगे। तो ये 2 चेंजेस से यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडर्न ऑफिस एंड जो सेक्रेटरी उसमें 7 जो पद थे उनको पृथक यहाँ पर किया जाता है, पहला ये। और दूसरा, यहाँ पर जो प्रवक्ता लेक्चरर की जो एग्रीकल्चरल थे उसके जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में चेंजेस किए गए हैं। तो ये एक छोटी सी सूचना आयोग की ओर से थी, हालांकि इसमें कहा जा रहा था कि आईटी के पद हटा दिए गए हैं, लेकिन अभी तक आयोग की ओर से उस संबंध में कोई भी संवाद जारी नहीं हुआ है। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं जरूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।